सियासत में आग लगाने वाला लव जिहाद। वो धर्म को हथियार बनाकर लड़ते हैं, आज भी वो काम करेंगे। और हालांकि वो मुसलमानों के बारे में नहीं है उनका, उस देश के जो जो 80% लोग हैं, किसान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं और कमजोर तबके के लोग, वो वैसे ही नरक में बने रहे, इसलिए मुसलमान टारगेट करके रखो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके लव जिहाद का जो मामला आया है ये खतरनाक है और इस पर चिंता करना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी और भारत सरकार को भी। हर इशू को वो कमरलाइज करना चाहते हैं, जो युवा हैं जो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं या अपनी पसंद से मैरिज कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, जो कि व्यस्क हैं, अडल्ट हैं, उनको पूरा अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म या जाति में विवाह कर सकते हैं। अब मुझे नहीं मालूम है लव जिहाद कौन सा नया उनका शब्द निकल आया, ये अफगानिस्तान से लाए हैं कि पाकिस्तान से लाए हैं कि इराक के ISIS से ले आए हैं, पता नहीं शब्द कहां से ले आए हैं। देखिए वृंदावन में जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसमें स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश में बिगड़ते हुए जो कानूनी हालात है उस पर चर्चा होगी। उसमें एक विषय यह भी स्वाभाविक रूप से होगा कि जिन भी लड़कियों को प्यार इत्यादि में फंसाकर जो फ्रॉड किया जाता है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी हो या RSS हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है और इन लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि अगर इस तरह से हम कोई ऐसा कदम उठाएंगे तो हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। क्या सत्ता के लिए बीजेपी ने छेड़ा लव जिहाद के खिलाफ आंदोलन?